दोस्तों, जो लोग वज़न कम कर रहे हैं वो अपने ऊपर अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। उनको जो कोई भी कुछ भी रिकमेंड करता है वो अपने ऊपर वो ट्राई करते हैं क्योंकि उनको अपना वज़न कम करना होता है। लेकिन जिन लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है, तीखा खाना पसंद है, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है इस समय। क्यों? क्योंकि तीखा खाना खाने से वेट बढ़ता है। आप कुछ भी बाहर से खाएंगे, मार्केट से लेके खाएंगे, उसमें स्पाइसी खाना खाएंगे तो उससे आपका वेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जिस टाइम जैसी डाइट उनको फॉलो करने के लिए बोली जाती है वो लोग वैसे फॉलो नहीं करते। तो जिन लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है उन लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा इन्ग्रीडियंट बताऊँगा जो हम अगर अपनी रसोई में यूज़ करें कंटिन्यूसली तो आपका खाने का टेस्ट भी बना रहेगा और साथ ही साथ आपका वेट भी धीरे धीरे कम होगा और बहुत बेनिफिशियल है ये इंग्रेडिएंट। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के ऊपर। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ग्रीन चिली मींस हरी मिर्च के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खाने के साथ हरी मिर्च खाने का शौक होता है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम हरी मिर्च को यूज़ करते हैं और बहुत टेस्टी भी लगती है हरी मिर्च खाने में। टेस्ट के साथ साथ हरी मिर्च के बहुत हेल्थ बेनिफिट भी हैं। हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, फाइबर बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है उसके अंदर, साथ ही साथ उसमें विटामिन ए और आपकी आँखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है हरी मिर्च। ये रहे दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर बेनिफिट। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि हरी मिर्च खाने से वजन कम कैसे होगा, कैसे ये आपके वेट को कम करेगी। तो दोस्तों, हरी मिर्च खाने से सबसे पहला फ़ायदा जो होता है ये आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट करता है। बॉडी में वेट क्यों बढ़ता है पहले वो समझ लेना ज़रूरी है। देखिए, जब मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन होती है तो बॉडी के अंदर वेट फैट जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिज्म रेट आपकी फास्ट होगी तो ये बॉडी का वेट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, बर्न होने लगेगा और आपकी बॉडी का वेट कम होगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड जो बेनिफिट है वेट लॉस को लेके हरी मिर्च का, वो है हरी मिर्च खाने से संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि, खाना खाने के दौरान जो हमें एक तृप्ति संतुष्टि मिलती है, अंदर से हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ अब खाना हो गया, तो वो सेटिस्फैक्शन देती है हरी मिर्च। वो हार्मोन आपकी बॉडी में सीक्रेट करती है हरी मिर्च ताकि आपको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले कि खाना अब हो गया है, पेट फुल हो गया है। तो जो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उससे बचेंगे। वेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं स्वाद के चक्कर में लोग। हरी मिर्च अगर आप डालते हैं तो टेस्ट के साथ साथ वो आपको संतुष्टि भी देती है, तो इससे ओवर ईटिंग का जो एक इश्यू है वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो एक रिसर्च स्टडी के अनुसार हरी मिर्च जो होती है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो आपके एब्डोमिन, पेट के ऊपर जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करते हैं। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पेट के ऊपर जमे हुए फैट को, चर्बी को धीरे धीरे करके मेल्ट करते हैं। तो हरी मिर्च दोस्तों बहुत बेनिफिशियल है हर नज़र से आप देखो। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट आपको बता दूँ कि ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें हरी मिर्च का, लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करें। आप रेड चिल्ली की जगह ग्रीन चिल्ली का यूज़ करें, लाल मिर्च ना खाएं उसकी जगह पे आप ग्रीन चिल्ली खाएं। ग्रीन चिल्ली बहुत बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इससे आप जवान बने रहेंगे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब लोगों के पास भेजना। आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।